तुम्हें चिंता है किसी की? ना मेरी ना किसी और की, किसी की नहीं है तुम्हें चिंता बंधुता। बस रक्त लगाई फिरी हो कि माँ के पास जाना है, माँ के पास जाना है। समस्या दूर करनी है नहीं, माँ के पास जाना है। हाँ समझती क्यों नहीं बंधुता, मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना। और तुम काढ़ा पीने से मना कर रही हो। मैंने क्या क्या नहीं किया, डॉक्टर के पास गए, यहाँ गए, वहां गए, जड़ी बूटी बनाई, बाबा से लड़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, पर तुम समझती ही नहीं हो बंधुता। तुम्हें क्यों नहीं होगी मुझे आप सब की? ये मेरा घर नहीं, आप सब मेरे अपने नहीं हैं। माना कि बहुत प्यार करते हो अपनी माँ से, पर इससे क्या आपकी चिंता नहीं होगी? क्या काका ससुर को परेशान देखकर मैं परेशान नहीं होंगी? सबसे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि मेरी पिस्ते गीला करने वाली समस्या दूर हो जाए। रसगुल्लों में भी आपका और काका ससुर जी का फूला हुआ चेहरा दिखता है। काढ़े से भी समस्या का समाधान नहीं निकला, लगता है मैं शर्त हार गया। नहीं, हार नहीं मान सकता मैं। अभी भी 2 दिन है मेरे पास, और इन 2 दिनों में मैं वो सारी कोशिश करूंगा जिससे बंधुता की समस्या का समाधान मिले। मैं बंधुता को दोबारा इस वजह से किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। और इसका वचन लेता है अनिरुद्ध रॉय चौधरी। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं अनिरुद्ध, ये शर्त हार जाएगा फिर वो लड़की हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी। कल पहला वैशाख है, नया साल नया कदम। ऐसी चाल चलूंगा मैं कि इस नए साल में सारे पुराने मैल धुल जाएं। अरे पटुक, शुभ नव वर्ष हो। शुभ नव वर्ष हो। पैर छू। जीता रहे। ये क्या पुरानी पतलून और कमीज पहन के घूम रहा है? नए कपड़े मंगवाए हैं, जा के जल्दी से पहन ले। शुभ नव वर्ष। सबके लिए नए कपड़े मंगा के रखे हैं, आज वही पहने जाएंगे। अरे बड़ा शुभ वर्ष होने वाला है, आज पहला वैशाख है और 2 दिन के बाद महा एकादशी। ये सूचना आपके लिए भी है बिनॉय बाबू जी। नए कपड़े आपके लिए भी आए हैं, खुद पहन लेंगे या हमें पहनाने पड़ेंगे? बिनॉय बाबू धोती पहनेंगे, फिर तो हवेली के सारे पंखे बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े मालिक को धोती पहनने की आदत भी तो नहीं है। तो कहीं तेज हवा चली और बड़े मालिक की धोती उड़ गई तो? यारी, अंग्रेजी पतलून कमीज लाया हूँ। अरे भाई, जिस तरह अंग्रेजी नववर्ष धूमधाम से मनाते हो, उसी तरह हमारा बंगाली संस्कृति वाला पहला वैशाख भी अच्छे से मना, उससे क्या बैर है? नए कपड़े तो पहनने पड़ेंगे। अरे बिहारी। हाँ मालिक। कोयली को बोलो कि उत्सव के लिए कुछ खास पकवान बनाए। बोलो पायस बना ले, पुलाव बना ले। बड़े मालिक, संदेश के लिए बोल दूं कोयली को, बहुत बढ़िया बनाती है संदेश। हाँ, संदेश। संदेश से याद आया, ये घर का बड़ा बेटा कहाँ है? उसकी पसंद की मिठाई है ना संदेश।
बुलाओ अनिरुद्ध को, बुलाओ, उसे भी आशीर्वाद लेना है हमसे, आज नववर्ष है। आप क्यों कर रहे हैं ये सारा काम? आप ऐसे साफ सफाई के काम करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या मुझे? अपनी पत्नी को पाप चढ़ाना चाहते हैं क्या? पत्नी बिस्तर गीला करे और पति उसकी गंदगी साफ करे, ये कहाँ की रीत है? क्या लगता है आपको? मेरा दिल नहीं दुखता? बहुत बुरा लगता है मुझे जब आप ये साफ सफाई करते हो। हाथ जोड़कर दुखा माँ से मांगती हूँ कि ना करो बिस्तर गीला, पर हो जाता है। शक्ति, आपको जोड़न देना है मुझे दे दो, पर खुद अपने हाथ गंदे मत कीजिए। मैं जानती हूँ आपको जरा भी अच्छा नहीं लगता, बदबू बर्दाश्त नहीं होती आपको। बोंदिता, बुरा मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जो करता हूं अपनी इच्छा से करता हूं, और ऐसा करने में मुझे तो बुरा नहीं लगता। और जानती हूं ना, एक बार कदम आगे बढ़ा दूं तो पीछे नहीं लेता मैं, इसीलिए जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। पर काम करेंगे कैसे? चोट नहीं लगी आपके हाथों में? लाइए मुझे दीजिए। आपसे साफ सफाई मैं करूंगी। वैसे भी गंदा मैंने किया तो साफ भी मुझे ही करना चाहिए ना? रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। बोंदिता, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मेरा ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, समझी? दे दीजिए ना मुझे पोछा। राक्ष मतलब कि पति बाबू, सुनते क्यों नहीं है आप मेरी? इतने जिद्दी क्यों है आप पति बाबू? दे दीजिए। कहाँ ना नहीं दूंगा बोंदिता। और अगर मैं तुम्हें जिद्दी लगता हूं ना बोंदिता, तो हाँ हूं मैं सिद्धि, तो हाँ हूं मैं सिद्धि। मेरी जिद है तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढना। गलत है ये जिद, बताओ। एकादशी की महापूजा में अभी 2 दिन हैं। और 2 दिन काफी हैं समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। इसीलिए बोंदिता,
अगर मेरी मदद करना चाहती हो, अगर चाहती हो कि तुम्हारे समस्या का समाधान मिल जाए, तो मैं जो जो जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करो, प्लीज। अभी योग करने का समय है ना, तो चलो तैयार हो जाओ। लेकिन पति बाबू, कहा ना बोंदिता, तैयार हो जाओ, योग करना है, समस्या का समाधान ढूंढना है हमें। चलो बोंदिता, चलो। वाह, बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है पहला वैशाख की। आज के शुभ दिन के दिन किसी की गंदगी साफ करना कितना अच्छा लग रहा होगा। त्रिलोचन दा, वो क्या कहा करते थे यार, कि साल के पहले दिन जो आप कार्य करते हैं वही कार्य साल भर करना पड़ता है आपको। तो इसका मतलब है कि आपके घर का चिराग और हमारा सबसे बड़ा बेटा पूरे साल भर ऐसे ही गंदगी साफ करता रहेगा। हमें तो बहुत दया आएगी इस पर। त्रिलोचन, आपको नहीं आएगी क्या? दुर्गा माँ की मूर्ति है, जब भी ससुराल में मेरी जरूरत पड़े तो इनसे कह देना। मेरी बिस्तर गीला करने वाली समस्या को ठीक कर दो ना दुर्गा माँ। अच्छा नहीं लगता है मुझे राक्षस बाबू को ऐसे साफ सफाई करते देखना। गलती अगर मैं कर रही हूँ तो सजा राक्षस बाबू को क्यों मिले दुर्गा माँ? कुछ नहीं तो किसी फरिश्ते को भेज दो दुर्गा माँ, क्योंकि राक्षस बाबू तो ना किसी की बात मानते हैं, ना मुझे माँ के पास जाने देते हैं। हर समय दुखी रहते हैं मेरे कारण, और वो दुखी होते हैं तो काका ससुर, ससुर जी, सोमू दादा और पट्टू सब दुखी हो जाते हैं। कल मेरे कारण खुद को चोट भी लगा ली और आज खुद मेरा गीला बिस्तर धोया, कमरा भी धोया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब दुखा माँ, क्यों नहीं ऐसा कुछ करती जिससे सब अच्छा हो जाए, सब ठीक हो जाए। मदद करो ना अपनी बोंदिता की दुर्गा माँ, भेज दो ना कोई फरिश्ता। बोंदिता, दुर्गा माँ भी उन्हीं की मदद करती हैं जो खुद की मदद करना चाहते हैं। उन्हीं को राह दिखाती हैं जो खुद अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। भगवान क्या करते हैं माँ? हमारा ध्यान रखते हैं। जब भी हम लोग सोते हैं ये जागते हैं, जब भी हम दुखी रहते हैं ये हमें हंसाते हैं, और जब भी हम गिर जाते हैं ये हमें उठाते हैं। पर माँ तो कहती है दुर्गा माँ खुद आती है मदद करने के लिए और सब ठीक कर देती है। अच्छा ऐसा है तो दुर्गा माँ ने तुम्हारी बिस्तर गीला करने वाली समस्या दूर क्यों नहीं की? तुमने प्रार्थना नहीं की थी क्या दुर्गा माँ से?
दुक्का माँ, पति बाबू की बात का मैं क्या जवाब दूँ? आप ही बताना मेरी समस्या कैसे दूर होगी। भेज दो ना किसी फरिश्ते को जो मेरी पिस्ते गीला करने वाली समस्या को दूर करते। भेज दो ना तुकामा, तुकामा भेजो। कर ली प्रार्थना पर कोई फरिश्ता आया तो नहीं बोल देता। सच्चे दिल से मांगी है मदद मैंने, देख लेना पति बाबू, आज नहीं तो कल कोई फरिश्ता जरूर आएगा। अच्छा तो कल का हम कल देख लेंगे बोंदता, आज के योगासन पूरे करने हैं ना अभी। करने हैं ना बोंदता। बहाने मत बनाओ, सारे योगासन पूरे करने हैं, याद है ना? राक्षस बाबू आप समझ नहीं रहे हैं, योग तो रोज कर रही हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है। अब तो तुक्कामा जल्दी भेज दीजिए कोई फरिश्ता जो इस समस्या को हल कर दे। बोंदता की माँ यहाँ? जमाई बाबू मैं आपके साथ तुलसीपुर नहीं आ सकती। आप मेरा बहुत मान सम्मान करते हैं, क्या आपके घर के सारे सदस्य मुझे वैसे ही मान सम्मान दे पाएंगे? क्या आपके घर के हर सदस्य को इस बात से आपत्ति नहीं होगी जमाई बाबू कि एक विधवा माँ अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में रहेगी? मेरे वजह से उसे समाज के ताने सुनने पड़ेंगे, क्या इससे मुझे खुशी मिलेगी जमाई बाबू? माँ तो कभी तुलसीपुर आना ही नहीं चाहती थी, फिर अचानक से यहाँ कैसे? शुभ नववर्ष। आप सबको भी शुभ। ये सुरमणि के डर से न जाने और क्या क्या करना पड़ेगा। आप लोग हमें यहाँ अचानक देख के चौंक गए होंगे ना? मैंने आप लोगों के लिए देसी घी की मिठाई बनाई है अपने हाथों से। आप लोग समझी है, खाली हाथ थोड़ी ना आ सकते थे कि बोलो। अच्छा तो ये घी किससे बनाया? बकरी के दूध से?
अरे वाह, वादा करके मुकर गए और ये दो आने की फल और मिठाई लाए। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और तुम वहां क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर अपना सामान बांधो। अब सामान बांधो मतलब? मतलब क्या? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो समझ में नहीं आया? देखो, मतलब साफ है, जब तक 5 बकरियां नहीं तब तक इनकी बेटी इस घर में नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो आपके घर की बहू है। हाँ बहू है, बताइए ना बहू है तो क्या करूं? नहीं, वो जो खूंटे हमने मंगवाए हैं बकरियां बांधने के लिए, क्या उसमें बांध के रखूं इसे? क्या देख क्या रही हो? इसका सामान बनवाओ और भेजो मायके इन सबके साथ वापस। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बहू माँ, सुन लिया मैंने सब, चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ। कुछ ठीक नहीं होगा, मेरे माँ बाबा के पास कहाँ है इतने पैसे कि वो 5 बकरियों का दहेज दे सके। कुछ ठीक नहीं होने वाला है, टूट जाएगा मेरा विवाह, अब तो दूर हो जाएंगे वो मुझसे। एक रास्ता है बहू, जिससे तुम्हारा विवाह बच सकता है। क्या? आज जब सौरभ काम से लौटे ना, तो बात करना उससे। अभी जो कुछ भी हुआ है सब बता देना सौरभ को। सौरभ बहुत प्रेम करता है तुझसे, मुझे विश्वास है वो तेरा साथ जरूर देगा, वो रोक लेगा तुझे, जाने नहीं देगा। नमस्ते माँ, बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। नहीं जमाई बाबू, हवेली के अंदर नहीं आ सकती मैं। क्यों? वो तो आम के बगीचे के पैसे देने आई थी, इस बार बहुत अच्छी उपज हुई है और साथ में बगीचे के आम भी लाई हूँ आप सब लोगों के लिए। हाँ माँ, लूंगा आम भी और आशीर्वाद भी, पहले अंदर तो आइए। जमाई बाबू, मैं नहीं जा सकती हवेली के अंदर, नहीं। हवेली? माँ ये सिर्फ एक हवेली है, आपकी बेटी का घर नहीं। बेटी के घर में आने से कैसा संकोच माँ, आइए ना। आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले ही बोंदता दुग्गा माँ से प्रार्थना करके मांग रही थी कि कोई फरिश्ता भेज दे। भेज दो ना किसी फरिश्ते को जो मेरी बिस्ते गीला करने वाली समस्या को दूर कर दे, भेज दो ना दुग्गा माँ। और देखिए आप आ गई, मैं तो आइए ना माँ। लेकिन जमाई बाबू। देखिए जमाई बाबू भी कह रही है और मेरा आग्रह भी टाल रही है आप। अच्छा मेरे लिए ना सही, बहुनता के चेहरे पर आने वाली मुस्कान के लिए तो आ जाइए। चलिए
आइए ना माँ, आइए। काका बोंदता की माँ है ये। बोंदता की? अच्छा अच्छा, ओ यही है जिसे वो हर समय याद करती रहती है। काका जरा धीरे बोलिए ना, पहले ही अंदर आने से मना कर रही थी। अरे तुम, हमने कौन सा गोली चलाने का आदेश दे दिया है? यही तो कहा है कि यही है वो जिसने अपनी समस्या तुम्हारे माथे मढ़ दी है। अरे इनसे तो बहुत कुछ कहना है। काका क्या? काका हमारे घर में जो भी मुसीबत चल रही है सब इन्हीं की वजह से नहीं है? काका बोंदता की माँ है, मेहमान है हमारी, और हम रॉय चौधरी हैं। हम मेहमान के सम्मान के लिए जाने जाते हैं या अपमान के लिए? आप ही तो कहते हैं ना काका कि चाहे दुश्मन भी क्यों ना आ जाए, अतिथि सत्कार किए बिना जाने नहीं देना चाहिए। ये तो बोंदता की माँ है काका, अपनी है काका, इनसे रिश्ता है ना हमारा। बस बस, तुम्हारी सारी दलीलें, सारी वकालत सिर्फ हम पे ही लागू होती है। ठीक है, करो अतिथि सत्कार करो। आइए ना माँ। यहीं रुकिए, बोंदता को अचानक से बताएंगे ना तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। बोंदता, योग हो गया? हाँ, आपने जैसे सिखाया था वैसे किया मैंने। और वो सांस खींचने और छोड़ने वाला प्राणायाम वो किया? अच्छा, वो भी किया मैंने, 5 बार किया, शक्ति। जरा करके बताओ दोबारा, अभी तो कहा ना बोंदता, करके बताओ अभी जल्दी। आंखें बंद करना बोंदता, खोलना नहीं। करो अच्छे से। बोंदता आंखें नहीं खोलनी अभी, 2 बार बचा है। यहाँ कोई आया था ना, जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब नहीं तो मैं ही हूँ यहाँ,
और वैसे मुझे भी तो अच्छे से जानती हो ना बंदिता। क्यों, तुम्हें क्या लगा दुर्गा माँ ने कोई फरिश्ता भेज दिया है तुम्हारे लिए जिसने तुम्हारे कपड़े तय कर दिए?